नहीं मुझे मशहूर होने की, मेरी तो ख्वाहिश बस इतनी है कि आप मुझे जानते। अच्छों ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा माना मुझे, जिसकी जितनी चाहत थी उसने उतना पहचाना मुझे। वाह वाह, ये जिंदगी का फलसफा भी कुछ अजीब है। शाम कटती नहीं, साल दर साल बीतते चले जाते हैं, जिंदगी के दौर में अगर आप पास हो गए तो कितने अपने पीछे छूट था उसका सुगंध ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम। वाह वाह, लेना है 2022 का जो है उसके शुरू है। कहिए सर जी, आप कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद वर्तमान में। मैं इस संस्था से 1974 से जुड़ा हूँ, आज तक जुड़ा हूँ। आज संस्था के सर्वोच्च पद पर मैं विराजमान। अच्छा, तो पंचायत से जुड़े हैं करके बोले तो आप टोटल ऑल इंडिया पंचायत से है ना? मैं आपको ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बारे में बता दूँ। ऑल इंडिया पंचायत परिषद की स्थापना 1958 में हुई और इसकी स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। कहानी यह है कि इससे पहले बिहार राज्य पंचायत परिषद की स्थापना 1950 में हो गई थी और 1956 में एक ट्रेन बिहार के मुखिया और सरपंच को लेकर के, स्पेशल ट्रेन, जगजीवन राम उस समय रेल मंत्री थे, वह ट्रेन मुखिया और सरपंच को देश के दूसरे राज्यों का मैंने दौरा कर वहाँ के पंचायतों की हालत जानने के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेन से यात्रा की थी। जब यह यात्रा अहमदाबाद पहुँचा, उस समय महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, तो बलवंत राय मेहता अगवानी में आए अहमदाबाद स्टेशन पर और उन्होंने जब देखा मुखिया और सरपंच लोगों को, दलपति का सब समूह, तो उन्होंने कहा, पंडित जी इस ढंग का संगठन तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पर बनाना चाहिए था, आपने इसको स्टेट तक क्यों सीमित रखा? तो पंडित विनोदानंद झा थे, वो बोले कि मैं सेंट्रल लेवल पर बनाने के लिए तैयार हूँ, आप स्वीकृति दीजिए कि मैं अध्यक्ष बनूँगा। और उन्होंने स्वीकृति दी। कालांतर में 1958 में बिहार था, अब झारखंड में है, बिहार के जसीडीह देवघर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और उस प्रथम अधिवेशन में गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय श्रम मंत्री थे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, उन्होंने अध्यक्षता की और उसी में अटल बिहारी वाजपेयी, हीरेन मुखर्जी, कुंभाराव आर, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मैंने तमाम लोग, सुचेता कृपलानी जो थे, राजेश्वर पटेल, राजा राम नायडू, मैंने क्या कितना नाम मैं गिनाऊँ, सब लोग थे प्रथम। और इस संस्था के जो गवर्निंग बॉडी में सदस्य रहे पदाधिकारी, इससे तीन प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, गुलजारी लाल नंदा हुए और अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, आप कह रहे हैं यानी कि पंचायत करके बोले तो एक ये है, तो मतलब अब पंचायत के हिसाब से अभी जो चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली में हैं, समझो, बताइए। चुनाव के लिए हम लोगों का एजेंडा माने साफ है, दिमाग साफ है कि चुनाव जो चीज पर होना चाहिए देश में नहीं हो। चुनाव का मतलब है कि जनता को अपनी समस्या के प्रति जागरूक होकर के, और कैसा सेवक चुनना चाहिए था, मालिक को यह एहसास होना चाहिए कि हम जो सेवक चुन रहे हैं वह सेवक हमारा सेवा करेगा कि नहीं, यह भावना अभी जनता में, मालिक वाली जो भावना है वह नहीं। मालिक ब्यूरोक्रेट जो कि संविधान में व्याख्यापित है कि लोक सेवक हैं,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब लोक सेवक हैं। और वैसा सेवक जिसका कीमत देश दे रहा है, मुफ्त के सेवा की बात नहीं है। आज 75 साल से मुफ्त में सेवा ही नहीं कर रहे हैं, सेवा का कीमत देश दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब वे गांव में जाते हैं, पदाधिकारी कार्यपालिका के लोग, तो गांव के लोग खड़े होते हैं कल जोड़ करके कि मालिक, यह जो मिथक है जब तक टूटेगा नहीं तब तक लोकतंत्र सही माने में हिंदुस्तान में प्रतिस्थापित नहीं हो। आप कौन सी पार्टी पे भरोसा रखते हैं, कौन सी पार्टी रहेगी? पार्टी पर नहीं, इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई पार्टी नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं। सब पार्टियों ने जनता के साथ धोखा किया है। अगर एफईडीपी दे करके चुनाव लड़ते तो आज उनको केस किया करती जनता और जेल में। अच्छा, और बताइए आपके हिसाब से पहले? मेरे हिसाब से जनता में यह प्रचार होनी चाहिए थे, यह निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह जनता को जागरूक बनाए। और जागरूक में जनता को तीन चीज के बारे में जागरूक करे। लोकतंत्र को अगर अच्छा करना है, संविधान को अगर अच्छा करनी है, तो पहला कि उसको चुने जिसमें संवेदना, संवेदनशील, जो संवेदना ही जिसमें नहीं है उसको चुन के जनता क्या करे। और संवेदनशील हो एक, दूसरा कि वह जो करे उसके प्रति दृढ़ निश्चय, जो वह वादा करे उस वादा पर दृढ़ निश्चय हो कि हम करेंगे चाहे हम इस्तीफा दे दें। और रही बात, और तीसरा कि दृढ़ निश्चय के साथ वह जो कार्यक्रम बनावे, प्रोग्राम बनावे, उस प्रोग्राम के प्रति उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। यह तीन चीज अगर है उम्मीदवार में तो जनता आंख मूंद करके अपने सेवक को चुन सकती है, चुने। और तब देखिए कि कैसा लोकतंत्र स्थापित होता है हिंदुस्तान में, सही माने में लोकतंत्र स्थापित होगा। जिसको भय होगा कि अगर काम नहीं करेंगे तो हम हट जाएंगे, हर कुर्सी से हटाने का तत्काल प्रभाव होना चाहिए कि अगर काम हमारा नहीं किया तो एक साल में आपको हटा देंगे, पांच साल इंतजार नहीं करेगा। अब ऑल इंडिया पंचायत से हैं तो देखिए यहाँ पे चुनाव के टाइम पे रहो, अभी सबके जो मतदार आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड ही गायब हो रहे हैं, यानी कि मतदार का हक भी छीना जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि जब तक आप सर्वे सर्वा कार्यपालिका को बनाइएगा तो यह चीज होगा। जिसके सेवा के लिए, जिसके उत्थान के लिए आप सब लोग सेवक हैं, मन करना चाहते हैं, उस आदमी के हाथ में सब चीज दी। मतदाता किसका है नहीं है गांव के लोग तय करेंगे, किसका है सब चीज ये आप नहीं तय कीजिएगा, हम जो तय करेंगे उसके अनुसार आप चुनाव करवाइए। गांव के लोग का किसका निर्वाचन, कौन 18 वर्ष हो गया उसका मतदाता पहचान पत्र बनना चाहिए, और उसी का निर्णय फाइनल होगा, प्रधानमंत्री तक भी उसको हटा नहीं सकता। और रही बात का निर्णय फाइनल, और रही बात यहां पे दिल्ली में आम आदमी की, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, सब करके मुफ्त करके बता रहे हैं, तो ये हिसाब से तो बहुत से क्या बोल रहे हैं, एक लॉलीपॉप है। नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो यह कहते हैं हम बिजली फ्री करेंगे, जो यह कहते हैं हम पानी फ्री करेंगे। आप कौन होते हो भाई? मालिक हम हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, और तुम कहते हो हम बिजली फ्री करेंगे। क्या ताकत है तुम में? तुम कहां से बिजली फ्री करोगे यह बताओ? हम देंगे पैसा हमारा, और नाम तुम लूट रहे हो कि हम कह रहे मालिक बन रहे हो। तुम्हारा सेवक का भावना तो वही खत्म हो गया जब तुम कह रहे हो कि हम ही करेंगे। करने का काम मालिक का है, सेवक का काम नहीं। और रही बात कांग्रेस, अभी आप आम आदमी की बताए, कांग्रेस के गए तो भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हो रही है, बहुत जबरद मजबूत है करके बता, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसका कोई क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन होना यह चाहिए था कि गांव जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। गांव जोड़ो यात्रा अगर होती तो इतना विडम्बना कुछ करने का जरूरत नहीं था। गांव, क्योंकि जिंदगी अपने दम पर जिया जाता है, जिंदगी अपने दम पर जिया जाता है,
दूसरे के भरोसे जनाजे जाते हैं, जैसे 75 साल में हम लोगों का जनाजा निकल चुका। और रही बात बीजेपी की, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके कहते हैं, तो इतने रेप हो रहे हैं तो उसके बारे में ख्याल ही नहीं है। और रही बात हर दाम भी, हर जगह भी दाम एकदम 1-2 डबल नहीं, ट्रिपल हो रहे हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप छोड़ दो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब छोड़ दो, गांव पर उस पर इंटरफेयर करना केवल बंद कर दो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, देखिए गांव स्वर्ग हो जाएगा, देश स्वर्ग हो जाएगा, और जो हम विश्व गुरु थे विश्व गुरु हिंदुस्तान बन जाएगा। ऐसी धरती विश्व में कहीं नहीं, सोने की चिड़िया जो कहा गया है, तो हम सोने की चिड़िया रियल में हैं, लेकिन आज मालिक सेवक बना हुआ है, सेवक मालिक बना हुआ है, सोच में परिवर्तन की जरूरत है। जब तक कार्यपालिका के लोग, जब तक न्यायपालिका के लोग, जब तक विधायिका के लोग अपने सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे और सेवा भाव में नहीं आवेंगे, तब तक देश का किस्मत गांव के लोग अपने में बदल नहीं सकते हैं। वो भी आपको देखेंगे कि अब सेवा भाव में आया है तो पूर्ण सहयोग करेंगे, मालिक पूर्ण सहयोग करेगा सेवक को, और तब एक नया हिंदुस्तान बनेगा। और आखिरी सवाल, युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत से युवा आजकल मोबाइल में इतने गेम्स वो ये करके रहते हैं, तो समझो बाकी दूसरा भी रहता है। युवा के लिए मैं कहना चाहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म पर नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, जाते हैं हमें जगा कर ही, सतपथ की ओर लगा कर ही, धरती और अंबर एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधर